पतरातू प्रखंड के सिद्धवार कंडेर में जितिया पूजा के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बड़का गांव की समाज सेवी निशी पांडे मौजूद हुई, जिनके पहुंचते ही ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। पूरे गांव भ्रमण कराया गया। ग्रामीणों ने हम लोगों के विधायक कैसी हो निशी पांडे जैसा के नारे से पूरा गांव गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि निशी पांडे ने विधिवत फीता काट कर किया गया। मुख्य अतिथि निशी पांडे ने कहा कि जितिया पर्व पर माँ अपने बेटे बेटी की सकुशल कामना के लिए पूजा और उपवास रखती है। वहीं इस मौके पर जितिया मेला के आयोजन किया गया। मेले से लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम भाव बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग उस जगह पे हम लोगों को वो जगह देंगे, उस जगह पे बनाएंगे। तो बहुत सारे कामों के लिए पावर की जरूरत होती है, कलम की ताकत की जरूरत होती है। अभी देखिए समाज सेवा करने निकले हैं तो डेली हम लोगों का एकदम लगता है कि कहाँ फेंक दें इन लोग को, ऐसा करते हैं लोग। तो काम दिख रहा है तभी तो, इतना कभी होड़ नहीं मचा था। इस बार महासंग्राम जैसा लग रहा है ये विधानसभा का चुनाव, और हम लोगों को अपने काबिलियत पे भरोसा है और हमारे अपने लोगों पे भरोसा है कि आप लोग भी बोलें कि नहीं, पतरातू से जो निशी पांडे आई थी हम लोग उनका साथ देंगे। अभी समय है, आप लोग थोड़ा जांचिए, परखिए, सोचिए। ये जबरदस्ती नहीं है, बहुत लोग आएंगे बहुत जबरदस्ती करेंगे कि हमको वोट दे दीजिए, मेरा ये चुनाव चिन्ह है, हमको वोट दीजिए। लेकिन आप लोग को यहाँ दिमाग से काम करना है, किसी के बरगलाने पे नहीं आना है। आप लोग थोड़ा सोच को बदलेंगे तो आपका गांव बदलेगा, विकास होगा। 15 साल से तो वही, आप लोग तो ग्रामीण हैं, यहाँ पे रहते हैं, रोड की व्यवस्था आप लोगों की दिखी, आने जहाँ तक कैंप है वहाँ तक का रोड सही है, उसके बाद का रोड बिल्कुल खराब है। अभी हम लोग पहली बार आ रहे हैं लेकिन दिख रहा था। तो आप लोग ऐसे हाथ को मजबूत करिए जिससे हमारा घर, हमारा गांव, हमारा राज्य, हमारा देश मजबूत हो। यहाँ पे बहुत लोगों का मंशा होता है कि चुनाव लड़ रहे हैं मतलब पैसा कमाना है। हम लोग अपना गुजारा कर लेते हैं और की क्षमता नहीं है हम लोग की, और की आशा भी नहीं होती है कि और चाहिए, जितना में हो जाता है उतना ठीक है। लेकिन जब आप लोगों को सब सुविधा मिलेगी तो मन से याद करिएगा, मेरे बाद भी हमको याद करिएगा। मेरी बानों को देख के तो लग रहा है कि ये साथ कभी छोड़ेंगे नहीं, मेरे हर एक बात पे सर हिला रहे हैं। बस यही विश्वास, यही भरोसा रखिए और हमको एक मौका दीजिए, हम लोग कभी निराश नहीं करेंगे। आप लोग जो भरोसा करेंगे हम लोग उस पर एकदम खड़े उतरेंगे। ये पूरा प्रयास है हमारा, हमारे पूरे टीम का। आप लोग हर किसी को, आज यहाँ पर इस गांव में अगर हम लोग आए हैं तो वो भी आप लोगों का देन है, आप लोगों ने बुलाया है इसलिए हम लोग आए हैं, इतना मान सम्मान दिया है, इसके लिए बहुत आभारी हैं। और एक बार फिर से आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, झारखंडी जोहार करती हूँ, धन्यवाद। पूरे बड़कागांव विधानसभा और पूरे रामगढ़, पूरे झारखंड में अलग पहचान और गरीबों की आवाज और महिलाओं के लिए प्रेरणा सूत्र माननीय श्री निशी पांडे जी, साथ ही मंच पर उपस्थित पतरातू प्रखंड के उप प्रमुख रामशंकर भैया जी, साथ ही मंच पर उपस्थित सुशांति तिवारी जी, मंच पर उपस्थित असीम राजा जी एवं तमाम यहां पर उपस्थित सभी माताओं बहनों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, जोहार। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि जितिया पर्व अपने हम लोग माताएं अपने बेटा और बेटी के लिए जितिया पर्व करती है, ताकि उनका जो प्यार है वो अपना बेटा के प्रति दिखाती है। साथ ही अपने हम लोग जो आ रहे थे रोड से, रोड इतना जो खराब है, जो आजादी के 70 साल बीत गया लेकिन इस गांव में, इस क्षेत्र में विकास किरण नहीं पहुंची है। मैं तमाम माताओं बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाला चुनाव में माननीय श्री निशी पांडे जी का हाथों को मजबूत करें और जो ये विकास करण इस क्षेत्र के जुड़का हुआ है, उस माननीय निशी पांडे जी उस विकास को गति देने के काम करेगी। इन्हीं चंद सब बातों से अपनी बात रखता हूँ। जय हिंद, जय ग्राम।
होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें रामगढ़ और बरका का नाम है 7870893999। न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क